सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई फतेह नूं गज वज के प्रदान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है, मैं छेवीं जमात विच पढ़दी हाँ ते मेरा पिंड काबदा है। अज मैं सुन सब नूं साखी सुनाउण जा रही हाँ जिसका विषय है सच्चा सौदा। गुरु नानक देव जी जदों 18 वरियां दे होए तां उन्हां दे पिता मैता कालू ने सोचिया कि पुत्तर नूं सौदागरी दे काम कार विच पाया जावे जिस विच पैसे भी चंगे बच जाया करनगे अते पुत्तर दा मन ग्राहकां दे नाल लैन देन दियां गल्लां बातां करके सारा दिन खुश रहेगा। यह सोच के चंगा शुभ दिन दे के उन्होंने भाई बाले नू बुला लिया। भाई बाले नू 20 रुपए दे के कहा तुसी दोवें जाओ कोई सच्चा सौदा खरीद के लै आओ जिसनू वेचण नाल आपां नू काफ़ी बचत होवे। इस तरह जे तुसी वादे नाल सौदा किया जा तां मैं तुहानू अगे तो वध पैसे दे के होर सौदा खरीदन भेजांगा। गुरु जी अते भाई बाला तलवंडी तो चूड़काने वाल नू खरा सौदा करन लई चल पए। पिंड तो कोई 10-12 मील ही गए सन कि उन्होंने जंगल विच इक साधा दी टोली बैठी देखी। गुरु जी ने भाई बाले नू कहा पिता जी ने आपां नू कोई सच्चा सौदा करन लई कहा है। इन्हां नंगे भुखे साधा नू कपड़े अते भोजन दे नालों होर केड़ा सच्चा सौदा हो सकता है। मैं यह सौदा नहीं छड़ सकता। इस तरह दे सच्चे सौदे करन दा मौका कदे कदाई हाथ आउंदा है। गुरु जी ने भाई बाले पैसों सारे पैसे लै के साधा दे अगू अगे रखदिया गया मैं आप दी सेवा विच यह भेट कर रहा हाँ। साधा दे आगू ने कहा बेटा ये पैसे साढ़े किस काम नहीं, असी बस्तियां विच ही नहीं जाते, असी जंगल विच ही रहिंदे हाँ। जे तुसी इन्हां पैसियां दा भोजन तैयार करवा देवो तां असी स्वीकार कर लवांगे। गुरु जी अते भाई बाला नेड़े दे पिंड विच गए, उन्हां पैसियां दा भोजन तैयार करवा के लै आए। वह भोजन उन्हां सारे साधा नूं वरता दिता। जिहड़े पैसे बच गए उन्हां दे कपड़े लै के नंगे साधा नूं दे दिते। साधा दे आगू पासों आग्या लै के खाली हथ दोवें तलवंडी नूं वापस मुड़ आए। वह दोवें जदों तलवंडी दे नेड़े पुजे तां गुरु जी ने भाई बाले नूं कहा भाई बालिया तू इकला ही पिंड नूं चलिया जा, मैं इस खूह उपर बैठांगा। भाई बाले ने पिंड जा के सारी गल कहानी मेहता कालू नूं दस दित्ती। इह भी दस दित्ता कि गुरु जी कित्थे बैठे सन। मेहता कालू नूं गुरु जी दे इस तरह सारा नूं पैसे लटाउण उपर बहुत गुस्सा आया। उसने सारे काम छड्ड के भाई बाले नूं नाल लिया अते खूह वल तुर पए। खूह उपर पुज के उन्हां गुरु जी नूं फड़ के 2-4 चपेड़ां टिका दित्तियां। भाई बाला उस वेले भी कह रहा सी मेहता जी तुसी सानू तुरन लग्यां नूं कहा सी कि कोई सच्चा सौदा करके आना, तुसी भावें मन्नो जां ना मन्नो गुरु जी ने सच्चा सौदा ही कीता है। मेहता कालू लई धन इकट्ठा करना ही सच्चा सौदा सी क्योंकि इस दुनिया विच धनी ही खानदानी है। धनी अकलां वाला है, धनी ही शरीफ ईमानदार धर्मी अते दानी है। धन भावे उसने किसी भी ढंग नाल इकट्ठा किया जावे उस धन दी विचार सिर्फ सच्चा सौदा करन वाले करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।